This is Mumtaz, and thank you once again for stepping by my channel. So today what we are going to discuss is why my baby is not drinking milk through a feeding bottle. I'll be talking to y'all about some of the problems, reasons and the solution for that. So stay connected. Breastfeeding is the most easiest, most safest method of providing healthiest nutrition to your baby. But many times it happens कि हमें बच्चों को bottle feeding introduce करानी ही पड़ती है, and there can be many reasons for that. It can be hormonal imbalance in moms, lack of milk supply, or we have to return back to office. So now I'll be discussing about some of the reasons why baby reject bottle feeding. This is obvious and very common कि हम सोचते भी नहीं हैं बॉटल फीडिंग का, क्योंकि हमें पता होता है कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द मोस्ट न्यूट्रिशन एंड द मोस्ट हेल्दीएस्ट मिल्क फॉर आ बेबी एंड इट इज़ ऑल्सो द ईजिएस्ट वे टू फीड मिल्क टू आ बेबी. और हर मॉम यही चाहती है कि मेरे बेबी को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, बेस्ट मिल्क मिले, सो दे कंटिन्यू फीडिंग द बेबी just breast milk. It's obvious that parents always think bottle milk matlab ke formula milk ya to fir cow ka milk, but no, we can pump our milk in the bottles and we can also store it in the fridge for our babies. I would like to say this to those mom who are on the maternity leave aur unhe pata hai ki they have to go back to office very soon. तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बेबी को जितना जल्दी हो सके बॉटल इंट्रोड्यूस कराइए. If you all wanna know how to store breast milk for babies, do comment me in the comment section. I'll surely come up with that video too. We lack in introducing bottle feeding early to our baby's life. Jitna jaldi bottle milk introduce karenge, they'll get used to it. I introduce bottle to my babies within 1 to 2 months itself. ज़्यादातर पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं बिकॉज वो एक दिन, दो दिन, वन वीक ट्राई करते हैं एंड देन दे थिंक माई बेबी इज नॉट गोना टेक इट. बट यू एटलीस्ट हैव टू ट्राई फॉर 15 डेज एंड आई कैन बेट यू दैट दे आर गोना ड्रिंक इट. बेबी माइट रिजेक्ट इट फॉर फ्यू डेज, बट डोंट लूज होप एंड डोंट थिंक दैट बेबी इज नॉट गोना ड्रिंक एट ऑल. यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड गिव इट एटलीस्ट वंस अ डे. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द बेस्ट बॉटल according to my experience that I gave it to my baby and which will be very easier for baby to go from breast milk to bottle milk. So Dr. Brown and Philip Avent Natural Flow, these bottles are really very good. They are anticholic and they are BPA free. ज़्यादातर problem ये आती है when we start bottle feeding our baby, बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होने लगती है. सो दीज आर अमेजिंग बॉटल, दे आर एंटीकोलिक. आपको कोई दूसरे ब्रांड की लेना है सो यू कैन गो फॉर इट, बट आप ध्यान रखें कि दैट इज एंटीकोलिक एंड दैट इज पीपीए फ्री. एंड द नेक्स्ट रीजन इज वी लैक इन प्रोवाइडिंग द राइट निप्पल. एज बेबी ग्रो देयर एबिलिटी टू सक मिल्क, दैट इज द स्पीड ऑफ इनटेक ऑफ मिल्क इंक्रीजेस. और अगर हम वही निप्पल से बेबी को मिल्क पिलाएंगे जिससे वो पहले पीता था, दे विल कीप ऑन सकिंग इट एंड दे विल नॉट गेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट दे नीड एंड व्हाट दे आर गोना एंड अप इज दे विल गेट टायर्ड एंड दे विल स्टॉप इनटेक ऑफ मिल्क थ्रू बॉटल. तो जिस किसी भी ब्रांड की आप बॉटल ले रहे हो तो उसके साथ निप्पल चार्ट मिलता है, तो आप उस चार्ट में देखिए आपकी बेबी की एज क्या है और उसके अकॉर्डिंगली निप्पल लीजिए. आप शॉपकीपर से भी पूछ सकते हो द करेक्ट निप्पल साइज फॉर योर बेबी. एंड द नेक्स्ट रीजन इज वी फेल टू चूज राइट मिल्क. अगर हम बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमें फॉर्मूला मिल्क देना है या तो हमें काउ मिल्क देना है. We can also give breast milk to our baby through bottles. Market में कई सारे बहुत अच्छे pumps है that are really gonna ease your life. I'll just drop the link in the description box. You can just go and have a look at it. कई बार ऐसा होता है कि हम बेबी को या तो ज्यादा ठंडा दूध दे देते हैं या फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं तो हल्का गुनगुना पानी में बनाते हैं. द ब्रेस्ट मिल्क दैट बेबी ड्रिंक इज एब्सोल्युटली ऑन रूम टेम्परेचर. सो सी टू इट द मिल्क दैट यू आर गिविंग टू योर बेबी थ्रू बॉटल इज एट रूम टेम्परेचर. एंड द लास्ट रीजन इज मॉम्स खुद अपने बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस ना कराए. आस्क समवन एल्स टू फीड देम बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल दैट बेबीज गेट अट्रैक्टेड टू मॉम स्मेल
एंड दे फाइंड द वे टू द ब्रेस्ट इफ वी गिव मिल्क. सो यू कैन आस्क हबी टू फीड सो दैट बेबी डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. एंड वंस बेबी गेट यूज टू द बॉटल दैन मॉम कैन ऑल्सो फीड द बेबी. So if you all found the video useful, do subscribe my channel and please don't forget to hit the bell button so that you don't miss on to my latest upcoming videos. Till then, bye-bye.